हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कमर्शियल व्हीकल के डॉक्यूमेंट की। तो जैसे कि आपकी प्राइवेट गाड़ी में आरसी, इंश्योरेंस और पोल्यूशन होते हैं, और ऐसे ही आपकी बाइक में भी सेम ही होते हैं, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन और कमर्शियल व्हीकल यानी पीली प्लेट। इसमें आपका तीन या चार डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आरसी होती है, इंश्योरेंस होती है, पोल्यूशन होते हैं, और इसमें एक होता है टूरिस्ट परमिट, एक होता है ऑल ओवर इंडिया परमिट, एक आपकी फिटनेस होती है, और एक आपका होता है टैक्स। जैसे कि आप जिस स्टेट में टैक्स जाएंगे, उसी स्टेट का आपको टैक्स कटवाना पड़ेगा। आपकी एचआर नंबर है, आप यूपी में जाएंगे तो आपको टैक्स कटवाना पड़ेगा, वो भी एक आपका डॉक्यूमेंट ही होता है, जिसको आईटो टैक्स भी बोलते हैं। पंजाब जाएंगे तो आपको कटवाना पड़ेगा। ये आपका एक दिन का भी कटता है और आपका एक महीने का भी कटता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन के लिए वहाँ विजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये डॉक्यूमेंट आपके कमर्शियल व्हीकल में पीली प्लेट की जो भी गाड़ियाँ हैं उनमें टैक्स कौन कौन से लगते हैं। कई लोग हैं, कई भाई हैं, वो लोग टैक्स का नाम सुन के ही उनको लगता है कि कमर्शियल गाड़ी में कौन से टैक्स लगते हैं, इतने ज़्यादा टैक्स लगते हैं, कौन से लगते हैं। तो सारे टैक्स के ऊपर ही आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जब हम गाड़ी कमर्शियल गाड़ी परचेज करते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग का रजिस्ट्रेशन है वो प्राइवेट गाड़ियों से सस्ता होता है। प्राइवेट गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन आपका अगर 50,000 का हो रहा है तो ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपका 30,000 में हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या ना, इसमें आपको मंथली या आप साल का भी भर सकते हैं। और प्राइवेट गाड़ी में टैक्स जो लिया जाता है वो एक बार ही आपका पूरा 15 साल का पे करवा देते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टैक्स होते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हरियाणा, जैसे अगर मेरे पास एचआर नंबर है तो हरियाणा की परमिट मुझे 5 साल की एक बार में ही मिल जाएगी, जिसका टैक्स मैं हरियाणा का टैक्स 1 साल का भी पे कर सकता हूँ, 6 महीने का भी पे कर सकता हूँ, और मैं 1 महीने का भी पे कर सकता हूँ। तो इसका 1 महीने का 100 रुपये का है, और अगर मैं पूरे साल का जमा करता हूँ तो मेरा 2,350 रुपये का है। तो मैं 2,350 रुपये का पूरे साल का पे करके फिर मैं 1 साल के बाद दोबारा फिर इसका पे कर सकता हूँ। तो अगर यही कमर्शियल गाड़ी मेरी यूपी में एंट्री करेगी, यूपी का पर डे का 120 रुपये का, महीने का 1,450 रुपये का है, साल का 14,500 का है। तो दोस्तों, ऐसे ही पंजाब का अलग है, दिल्ली का है, पर डे का 100 रुपीज़ का पड़ता है, मंथली 3,000 रुपये का पास बनता है। तो दोस्तों, इस तरह के किसी भी स्टेट में आप एंट्री करेंगे तो आप डेली का भी ले सकते हैं। अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हैं तो एक दिन का टैक्स कटवा के जाइए, और अगर आप महीने के लिए जा रहे हैं तो महीने का टैक्स कटवा लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो कमर्शियल गाड़ी में ऐसा होता है कि जब आप जाएंगे तब आप टैक्स अपना कटवा लीजिए। और दोस्तों, जैसे कि आपके पास DL-1Z है तो वो DL-1Z और हरियाणा नंबर, यूपी नंबर, पंजाब नंबर, इन सबका सेम सिस्टम होता है सारा कुछ, परमिट का सारा कुछ। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।